नमक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे प्लीज, अरे बाहर बबीता। तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी सीरियल के कलाकार अय्यर आज कोयलांचल पहुँचे। देश का प्रसिद्ध 3000 एपिसोड पार करने वाला सीरियल के अहम भूमिका निभाने वाले कलाकार अय्यर आज परासिया नगर सामाजिक कार्यकर्ता भरत जैन के यहाँ पधारे, जहाँ टीवी कलाकार सभी लोगों से मुलाकात भी की, साथ ही कोयलांचल की तारीफ भी की। वहीं दूसरी ओर परासिया नगर की फेमस चाट का लुत्फ भी उठाया। हमारे द्वारा टीवी कलाकार अय्यर से चर्चा भी की गई, जहां टीवी सीरियल के का सफर की जानकारी उन्होंने दी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अहम भूमिका निभाने वाले कलाकार अय्यर जी मध्य प्रदेश के देवास के निवासी हैं। अपनी चर्चा में उन्होंने बताया कि पातालकोट घूमने की इच्छा उन्होंने जाहिर की। माँ माता के दर्शन भी किए और बहुत ही खुश नसीब समझ खुद को कि माँ ने बुला लिया। काफी दिनों से गुरु जी कह रहे थे लेकिन मौका नहीं आ रहा। इस बार आकर मैंने देखा कि वाकई बहुत अमन चीन शांति जड़ी बूटियों का शहर। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, आपका पात्र है बहुत ही बेहतरीन, लोगों ने बहुत पसंद किया, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आपको किस तरह का रोल करना? प्रेरणा नहीं मिली सर, क्या है कलाकार को जब भी कोई चीज ऑफर होती है उसको चैलेंज समझना चाहिए। मैंने वही समझा, इसके ऊपर काम किया। उसमें मेरे सभी कलीग लोगों ने मेरा सपोर्ट दिया, खासकर मेरे गुरु सर ने मेरा साथ दिया और मेहनत करता रहा, उसका रिजल्ट मुझे मिला। तो कुछ अलग अलग करंट अफेयर्स में हम लोग कुछ बात कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों में एक संदेश जाए, लोगों में अवेयरनेस बढ़े। वैसे तो हमने स्वच्छता का बहुत बार संदेश दिया है, अभी कोविड का भी दे रहे हैं, इसके बाद और जैसे को भी करंट अफेयर्स आते हैं। हमें महिलाओं के उत्थान के लिए भी एपिसोड बन रहे हैं। आने वाले भविष्य की पिक्चर वगैरह? आने वाले भविष्य में अभी तो फिलहाल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बिजी हूँ, लेकिन आने वाले सालों में जरूर कुछ नया होने की उम्मीद। हमारे क्षेत्र में छोटे छोटे कलाकार हैं, उनकी संदेश क्या है? संदेश एक ही दूंगा कि पहले इस बात को समझ लीजिए कि आप कलाकार हैं। किसी भी काल्पनिक चीज को आपको पर्दे पर उतारना है, रियलिस्टिक में, तो इसके लिए एक पहले हमारा छोटा सा क्लिनिक था जो हमारे छिंदवाड़ा जिले के व्यापारी अध्यक्ष आदरणीय पूजनीय श्री भरत जैन के माध्यम से चांदा मेटर में क्लिनिक खोला। वहाँ पे गरीबों का निःशुल्क इलाज करते रहे। हमारा काम है आयुर्वेद और हमारा जीवन भी आयुर्वेद है। हम आयुर्वेद को दुनिया में फैलाना चाहते हैं। अनमोल जड़ी बूटियों को जगह जगह लगाना हमारा धर्म बनता है और लगा भी रहे हैं। पृथ्वी बचाओ, पेड़ पौधे लगाए, पर्यावरण बचाना है, पेड़ पौधे जरूर लगाना है, पानी बचाएं। इस समय माहौल बहुत खराब चल रहा है कोरोना वायरस का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और भारत सरकार के सभी नियम का पालन करें। और आयुर्वेद के माध्यम से छिंदवाड़ा के पातालकोट, पचमढ़ी, अमरकंटक, धने जंगल अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक गुरु जो योग के माध्यम से लोगों का इलाज कर रहे हैं, उनके बारे में बहुत कम शब्दों में यही कहना चाहता हूँ कि बदलेंगे जमाने की हवा आयुर्वेद, लाएगी तरक्की का सिला आयुर्वेद और मिन नित्य शाही भी में अब दम नहीं है दोस्त, जुनून सियासत की दवा आयुर्वेद। निश्चित ही डॉक्टर साहब ने अपनी जो यात्रा प्रारंभ की और उस आयुर्वेद के माध्यम से जन जन के बीच में पहुंच करके गरीब तबके के लोगों की निस्वार्थ सेवा करना, और जिसका प्रताप है कि उनके आशीर्वादों से आज वो बॉम्बे जैसी महानगरी के साथ विदेशों में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं और वहां के लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से ठीक करके ये संदेश दे रहे हैं कि आयुर्वेद जो भारतीय संस्कृति का, भारत देश का पुरानी इलाज की पद्धति है, अगर हम उसे पुनः अपनाएं तो उसका कोई बाय रिएक्शन नहीं होता, जबकि जितनी अंग्रेजी दवाइयां हैं उनको खाने से